प्रदेश की खास खबरों के साथ आप सभी सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। आज अहम नहीं रखना चाहिए, मन नहीं रखना चाहिए, हमेशा जिंदगी में अंतिम सांस तक सीखते रहना चाहिए। सीएम ने ऐसा सार्वजनिक सेवा उत्कृष्ट पुरस्कार वितरण समारोह में कहा। साथ ही आपको बताएंगे महंगाई राहत कैंपों की तैयारियों में जुटी सरकार और राष्ट्रीय आरोग्य मेले में आयुष पद्धतियों से जुड़ी गतिविधियों का प्रदर्शन तो मरीजों की जांच और उपचार भी। नमस्कार, प्रदेश की हाइलाइट्स के साथ मैं अरिंदम और मेरे साथ है सालेहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि सुशासन में नौकरशाही की भूमिका अहम है और मुझे गर्व है कहते हुए कि हमारी ब्यूरोक्रेसी की भूमिका आज वर्तमान में मुल्क पहुंचा है। अगर मैं ये कहूँ, आजादी के बाद हमारा सौभाग्य था पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा दूरदृष्टा में मिला, सरदार पटेल जैसा सक्षम व्यक्ति में मिला। उनकी सोच थी जिसके कारण आज सिविल सेवा का सम्मान देश के अंदर आज भी कायम है। ये सेवा ही आज देश को राजनीति में डेमोक्रेसी है, सरकार आती है जाती रहती है, परंतु आपकी जो सर्विसेज हैं आईएएस हो आईपीएस हो या आईएफएस हो उसकी भूमिका एक अलग तरह की होती है। उसी का परिणाम आज हम कह सकते हैं कि आज हमारा देश का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर भी, ये कोई मामूली बात नहीं कि गुड गवर्नेंस के लिए बहुत बड़ा योगदान होता है सिविल सर्विसेज का। श्री गहलोत ने कहा कि आज राजस्थान हर क्षेत्र में अग्रणी है, हम सभी का संकल्प इसे तेजी से आगे बढ़ाने का होना चाहिए। मुझे खुशी है कि आज राजस्थान देश में आर्थिक विकास के रूप में देश में नंबर 2 पर है। आंध्र प्रदेश 11.4%, राजस्थान 11.04%। शिक्षा में स्वास्थ्य में जो योजना हमने बनाई है अब उसको कामयाब करना आपके हाथ में। जो आपको प्रोग्राम दिया गया, महंगाई राहत की बात की हमने या चाहे वो जो एजेंडा हमारे सामने है गुड गवर्नेंस का, जो बजट में हमने अनाउंसमेंट किए एक के बाद एक, आप कमी नहीं रखोगे और मैं हमेशा आप पे विश्वास करता हूँ। इसलिए आज हम कहते हैं कि हमारे इस बार के मैनिफेस्टो के अंदर भी लगभग 90% वादे हमने पूरे किए, 90% वादे पूरे किए। जो भी संभव होगा हम लोग राजस्थान राज्य में करेंगे, ये हम सबका संकल्प होना चाहिए। श्री गहलोत ने कहा कि नॉलेज इज पावर, आज के समय में अपडेट रहना बहुत जरूरी है। नॉलेज इज पावर, खाली कलेक्टर बनना या एसपी बनना बहुत नहीं है, सब कुछ नहीं है। उसको नॉलेज कितनी है वो बहुत ज्यादा पावर है। एक नौकरी करना एक बात है, अपनी पर्सनलिटी का डेवलपमेंट करना दूसरी बात है। और मैं समझता हूँ कि देश में दुनिया में क्या हो रहा है, अब तो आपके पास में आईटी है, मोबाइल फोन है, इंटरनेट सेवाएं हैं, तभी आप अपने खुद की ड्यूटी को अंजाम दे पाएंगे कामयाबी के साथ में। तो पूरी तरह आपको खाली विभाग के नहीं बल्कि दुनिया में देश में क्या हो रहा है उसके बारे में भी आप जानकारी रखें और अपनी सोच रखें। समारोह में सीएस उषा शर्मा ने कहा कि सिविल सेवा देश के प्रशासनिक ढांचे का आधारभूत स्तंभ है। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य है कि ऑल इंडिया सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज के अधिकारियों को अपने कार्य में एक्सीलेंसी लाने के लिए एनकरेज करना, सार्वजनिक सेवा के लिए अपने कमिटमेंट को रीस्टैब्लिश करना और स्वयं को नागरिकों के लिए पुनः समर्पित करना। सिविल सेवा प्रणाली देश एवं प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे का आधार स्तंभ है। समारोह में मुख्यमंत्री लोक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार भी प्रदान किए गए। आयोजना विभाग के संयुक्त शासन सचिव सुशील कुमार कुलहरी को इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के क्रियान्वयन और अंतर विभागीय मुद्दों के लिए, वहीं प्रोग्राम मॉनिटरिंग के लिए डॉक्टर नीतीश शर्मा को और जिला कलेक्टर बाड़मेर लोकबंधु को मिशन सुरक्षा के लिए, जिला कलेक्टर पाली नमित मेहता को खेलो पाली नवाचार के लिए, झालावाड़ की जिला कलेक्टर भारती दीक्षित को महिला सशक्तिकरण के लिए और उदयपुर के जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा को मिशन कोटड़ा के लिए पुरस्कृत किया गया। इसके बाद सीएम ने मीडिया से बातचीत में लोगों से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा लोग महंगाई राहत कैंपों में पहुंचकर उन्हें कामयाब बनाएं। पब्लिक को हमने जो जो राहत दी है, जिस दिन से राहत दी गई है, चाहे वो एक महीना बाद में कराएंगे रजिस्ट्रेशन, तभी वो लाभ आज से मिलेगा। जिस दिन से इसकी बनी है योजना, तरीके से तमाम कलेक्टर पुलिस प्रशासन सब मिलकर के
प्रशासन गांव के संग शहरों के संग अभियान के साथ में महंगे रात शिविर लगाएंगे और आराम से कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं किसी को, लाभ उसको मिलना फिक्स है, इसलिए आराम से वो जाएं और ये पूरा लाभ उठाएं, ये मैं अपील करता हूं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने महंगाई राहत कैंपों के जरिए लोगों तक ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने की रणनीति और कार्यप्रणाली की समीक्षा की। मुख्यमंत्री निवास पर हुई इस बैठक में संबंधित अधिकारियों, सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को कैंपों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। जयपुर में आज से राष्ट्रीय आरोग्य मेले का शुभारंभ हुआ। सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में केंद्रीय आयुष मंत्रालय, राज्य के आयुष विभाग और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से ये मेला लगाया गया है। आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने इस मौके पर कहा कि मुख्यमंत्री की निरोगी राजस्थान की संकल्पना को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार प्रदेश में आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा पद्धति को लगातार बढ़ावा दे रही है। आयुष के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है और ये एलोपैथी के मजबूत विकल्प के रूप में उभर रही है। राज्य मंत्री ने कहा कि आयुष चिकित्सा का एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाने की जरूरत है। एलोपैथी की तरह हर जिले में आयुष कॉलेज और अस्पताल भी होना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ के हिसाब से अच्छी लेबोरेटरीज खोलने हैं, उस पर रिसर्च चले, जो यंग एंटरप्रेन्योर है उनको मौका दें, तो मैं समझता हूँ फॉरेन एक्सचेंज भी हमको मिलेगा, एक्सपोर्ट भी होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ, एक अच्छा काम हमारी सरकार कर रही है तो उसको भी ग्रोथ को और बढ़ाया जा सकेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकेगा, लोगों का इनकम बढ़े। 140 करोड़ लोगों को अगर आप निश्चित रूप से मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज देना चाहते हैं तो एलोपैथी के साथ साथ आयुष एक ऐसी पद्धति है जिसको जोड़ते हुए हम हर को फैसिलिटीज हेल्थ की दे सकते हैं। 23 अप्रैल तक चलने वाले राष्ट्रीय आरोग्य मेले में करीब 100 स्टॉल्स के जरिए विभिन्न आयुष उपकरण और औषधियां प्रदर्शित की गई हैं। इनके माध्यम से आगंतुकों को जागरूक किया जाएगा। आरोग्य मेले में आयुष उद्योग प्रदर्शनी, निशुल्क ओपीडी, दवा वितरण, उपचार और परामर्श के साथ साथ आयुर्वेद, होम्यो, यूनानी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों का प्रदर्शन किया जाएगा। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला जयपुर में 28 अप्रैल से 7 मई तक जवाहर कला केंद्र में आयोजित किया जाएगा। रजिस्ट्रार सहकारिता मेघराज सिंह रत्नू ने बताया कि इसके लिए जरूरी तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस बारे में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र में राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा प्रदेश है जो कई सालों से सहकार मेला आयोजित करते हुए लोगों को शुद्ध मसाले उपलब्ध कराने की पहल कर रहा है। उन्होंने बताया कि जयपुर में लगने वाले सहकार मसाला मेले का लोग लंबे समय तक इंतजार करते हैं। इस मेले की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बन चुकी है। उन्होंने खंड अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने अपने संभाग के गुणवत्ता युक्त मसाले लेकर संस्थाओं को भिजवाएं। सहकार मसाला मेले में साबुत और पिसे हुए मसालों के साथ ही मौके पर मसाला पीस कर उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था होगी। कृषि विपणन विभाग की कृषक उपहार योजना का 2.5 लाख रुपए का पहला इनाम कोटा में भवानी मंडी के किसान प्रदीप ने जीता है। 1.5 लाख रुपए का दूसरा पुरस्कार हनुमानगढ़ में गोलूवाला मंडी के किसान जसवंत ने प्राप्त किया। वहीं 1 लाख रुपए का तीसरा पुरस्कार हनुमानगढ़ मंडी के किसान मोहन लाल ने हासिल किया है। प्रमुख कृषि और उद्यानिकी सचिव की अध्यक्षता में जयपुर में पंत कृषि भवन में ये राज्य स्तरीय ऑनलाइन लॉटरी निकाली गई। इसे साल में एक बार निकाला जाता है। अब सुनिए जिलों का राउंड अप। बूंदी में आम लोगों की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए शुरू हुई त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था के तहत जन सुविधा केंद्र में जिला स्तरीय जन सुनवाई हुई। वहीं श्रीगंगानगर में आमजन की समस्याओं की सुनवाई और उनके त्वरित समाधान के लिए जिला स्तरीय जन सुनवाई और सतर्कता समिति की बैठक हुई। अक्षय तृतीया समेत अबूझ सावे के दिन होने वाले बाल विवाहों की रोकथाम के लिए झुंझुनू में टास्क फोर्स का गठन किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिला जज की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है जिसमें प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी शामिल हैं। इसके लिए एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। चित्तौड़गढ़ में स्कूली बच्चों ने रैली के जरिए बाल विवाह रोकने का संदेश दिया। राजस्थान सरकार उज्ज्वला लाभान्वितों को गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने जा रही है। लीजिए सुनिए इसे इस गीत के माध्यम से। पहले सिलेंडर 1170 था,